नमस्कार साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी देना चाहता हूँ जिसमें बराबर भ्रम बना हुआ है और बराबर लोग मेरे से भी सवाल करते हैं। आपने सुना होगा कि लगातार उत्तराखंड में और हिमाचल में बादल फटने की घटनाएं सामने आती है। पूरी एक सूक्ष्म जानकारी है, तो आप पूरा देखेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और इसको आप रिसर्च भी करिएगा, गहन अध्ययन करिएगा, क्योंकि जानकारी हर चीज़ की रखनी बहुत ज़रूरी है। देखिए, बादल फटने का मतलब ये नहीं होता है कि बादल टुकड़े टुकड़े होकर के फट जाना। बहुत आप रेगुलर सुनते होंगे कि पहाड़ों, खास करके उत्तराखंड और हिमाचल में यहाँ बादल फटा, घर बह गए, पानी का तेज़ सैलाब आया। इसको मैं सरल भाषा में समझाता हूँ। जैसे एक गुब्बारा है, गुब्बारे में पानी भरा हुआ है और वो अचानक फट गया तो सारा पानी वहीं पे गिर गया, इसका मतलब ये होता। और पानी अचानक अगर बहुत ज़्यादा एक ही जगह पे आ जाएगा तो उसे वहाँ पे नुकसान, तबाही हो जाती है और काफ़ी तेज़ गति से वो वहाँ से, आसमान से वो बादल फट करके वो पानी वहाँ पे गिरता है। और इसको अभी हाल फिलहाल में भी बहुत जगहों पे, उत्तरकाशी में, चमोली में, देवप्रयाग में, कैची धाम के पास, हर जगह बादल फटने की घटनाएं हुई। बहुत जगह पे कुछ जानमाल का नुकसान तो नहीं हो पाया, देवप्रयाग में थोड़ा बहुत हुआ है। और उसके बाद वहाँ पे जैसे ही ये बादल फटने की घटनाएं होती है तो तुरंत ही कई सारे जो राहत कार्य है वो सारी चीज़ें पहुँचाई जाती है वहाँ पर। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि बादल फटने को क्लाउड ब्रस्ट या फ्लैश फ्लड भी कहते हैं। अचानक तेज़ी के साथ फटकर बारिश करने वाले बादलों को प्रेग्नेंट क्लाउड भी कहते हैं। और अचानक बादल ये कैसे फटता है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जब काफ़ी ज़्यादा नमी वाले बादल एक जगह रुक जाते हैं, आसमान में अलग अलग नमी वाले बादल जब एक जगह रुक जाएंगे और वहाँ मौजूद पानी की बूंदें आपस में मिल जाती हैं, बूंदों के भार से बादल का घनत्व बढ़ जाता है, फिर अचानक भारी बारिश शुरू हो जाती है। बादल फटने पर 100 मिलीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बारिश हो सकती है। सोच सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। और ज़्यादातर बादल जो है पहाड़ों पर ही क्यों फटते हैं, पानी से भरे बादल पहाड़ी इलाकों में फंस जाते हैं, पहाड़ों की ऊंचाई की वजह से बादल आगे बढ़ नहीं पाते हैं, फिर अचानक एक ही स्थान पे तेज़ बारिश होने लगती है, चंद सेकंड में 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हो जाती है। पहाड़ों पर अमूमन 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर बादल फटते हैं। हालांकि बादल फटने का ज़्यादातर दायरा 1 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया है, 1 वर्ग किलोमीटर ही होता है मैक्सिमम उसका दायरा। अब पहाड़ों पर बादल जो फटता है तो इतनी तेज़ी से वो बारिश आती है कि वो सैलाब बन जाता है और बड़ा नुकसान कर देता है। और पहाड़ों पर पानी कभी रुकता नहीं है, इसलिए तेज़ी से वो नीचे की तरफ पानी आता है और नीचे की तरफ आने वाला पानी अपने साथ मिट्टी, कीचड़, पत्थर के टुकड़े ले आता है और इसकी गति इतनी तेज़ होती है कि सामने पड़ने वाली सभी चीज़ें बर्बाद हो जाती है, भारी नुकसान हो जाता है कई बार। और अगर वो पानी अचानक किसी शहर के ऊपर, किसी मकान के ऊपर गिर गया तो वहाँ भी भारी नुकसान होता है। और ऐसी बात नहीं है कि बादल सिर्फ पहाड़ों पर ही फटते हैं, मैदानी इलाकों में भी बादल फटता है। 2005 में बादल फटने की एक घटना, पहाड़ पर बादल फटा, मैक्सिमम ऐसे पहाड़ पर ही बादल फटते हैं। लेकिन जब आप सुनते होंगे कि कभी हिमाचल में, उत्तराखंड में, तो पहाड़ी का जो एरिया है वहाँ पे ज़्यादा संभावना बनी रहती है। कभी कभी ऐसा होता है कि समतल इलाके में बादल फटता है, नहीं तो मैक्सिमम पहाड़ी एरिया में ही बादल फटता है। और हर कुछ समय बाद हम लोग सुनते हैं कि उत्तराखंड के पहाड़ों में कभी देवप्रयाग में कभी कहीं ये बादल फटता है। तो जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। बादल फटने का मतलब ये नहीं होता है कि जो बादल चल रहे हैं वो फट गए।
एक जगह नमी के कारण बारिश वो बूंदे जो हैं वो इकट्ठा होती हैं और फिर अचानक वो फट जाता है, जैसे एक गुब्बारा में पानी भरा हुआ है और गुब्बारा फट गया, तो अचानक जब बहुत सारा पानी आएगा उससे भारी नुकसान होता है। जय हिंद।